सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टार स्पोर्ट्स एंड पी। सो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सबों के बीच हम लेकर आ रहे हैं और एक ज़बरदस्त फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच फिक्चर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस टूर्नामेंट के बारे में, जो कि अगर हम लोग कुल मिलाकर पुरस्कार की बात करें इस टूर्नामेंट का, तो लगभग 7 लाख के करीब इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को मिलने वाला है। तो है ना दोस्तों, कमाल का फुटबॉल टूर्नामेंट। तो चलिए आज हम लोग इस टूर्नामेंट के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये जो टूर्नामेंट है कब खेला जाएगा, कहाँ पर खेला जाएगा और किस प्रकार होगी मुकाबला, कौन सी टीम किस दिन खेलेगी, तमाम चीज़ें मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। और साथ में डीसी चांडिल के बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, तमाम चीज़ें आप सबों के बीच चर्चाएं होगी इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो के आगे तक बने रहें। चैनल पर अगर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह से स्पोर्ट से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए, अगर इस टूर्नामेंट की बात करें, ये जो टूर्नामेंट है 29वां हाईलाइट फुटबॉल टूर्नामेंट है 2024 का, और एक बड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता में आप सबों को स्वागत कर रहा, सभी फुटबॉल प्रेमी को यहाँ पर इनवाइट कर रहा, स्वागत कर रहा है इस टूर्नामेंट में देखने के लिए, जो कि ये जो टूर्नामेंट है निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है। जी हाँ, तो चलिए अगर इस टूर्नामेंट की बात करें, 29th ईयर हाईलाइट फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 ऑर्गेनाइज बाय रॉयल टाइगर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से, 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में तमाम दर्शक साथी के साथ साथ सभी फुटबॉल प्रेमी सभी खिलाड़ीगण को यहाँ पे स्वागत कर रहा। 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। अगर हम लोग वेन्यू की बात करें तो वेन्यू है जांजदापाल गिरेली फील्ड पर खेला जाएगा, जो कि ये मयूरभंज ओडिशा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, ये ओडिशा क्षेत्र का ये फुटबॉल प्रतियोगिता है, 2 दिवसीय 2 डेज फुटबॉल टूर्नामेंट है। अगर हम लोग बात करें तारीख का, तो तारीख 5 अक्टूबर 2024 को खेला जाएगा और 6 अक्टूबर 2024 को खेला जाएगा। दिन होगी शनिवार और रविवार को। अगर हम लोग दोस्तों बात करें इस टूर्नामेंट में किस प्रकार से यहाँ पे टीम मौजूद है, तो चलिए आप सभी को मैं बता दूँ, इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक टीम नज़र आएंगे। किंगफिशर एफसी पोटका की बात करें, एक्चुअल में ओडिशा क्षेत्र का है, तो निश्चित रूप से वो टीम मौजूद है, साथ में डीसी चैनल के साथ साथ टिकटॉक 11 जितने भी फेमस टीम है, जो भी बड़ी टीम है, इस टूर्नामेंट में आप देख पाएंगे। अगर दोस्तों हम लोग टीमों की बात करें, चलिए टीमों से पहले मैं आप सबको पुरस्कार से अवगत करा दूँ। अगर पुरस्कार की बात करें, तो यहाँ पर पहला पुरस्कार के तौर पर 2,50,000 रुपया रखा गया है, 2,50,000 रुपया पहला पुरस्कार के तौर पर। द्वितीय पुरस्कार की बात करें, 2 लाख, तृतीय और चतुर्थ यानी कि 2 सेमीफाइनलिस्ट टीम को 1,00,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। निश्चित रूप से है ना, एक कमाल का फुटबॉल टूर्नामेंट, लगटक फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो चलिए अगर बात करें दोस्तों होने वाले मुकाबले का, जी हाँ, 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फिक्चर किस प्रकार है, आइए आप सबको मैं बता दूँ। ग्रुप ए की बात करें तो 5 अक्टूबर को खेला जाएगा, और 5 अक्टूबर का पहला मैच की बात करें, तो यहाँ पे किंगफिशर एफसी पोटका बनाम सिमली एफसी भोलागुड़िया ओडिशा के बीच खेला जाएगा, ये पहला मैच के तौर पर। जी हाँ, 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर का दूसरा मैच की बात करें, तो यहाँ पे जीत मंजीत डॉन 11 वेस्ट बंगाल बनाम स्टेज जगन्नाथपुर एफसी ओडिशा के बीच खेला जाएगा, ये दूसरा मैच है 5 अक्टूबर का। और 5 अक्टूबर का तीसरा मैच की बात करें, तो नाधु वाइट डेंजर 11 वेस्ट बंगाल बनाम मुस्लिम एंड मुस्लिम खान फेब्रिकेशन एफसी ओडिशा के बीच खेला जाएगा, ये तीसरा मैच है 5 अक्टूबर का। और 5 अक्टूबर का प्रथम चक्र का अंतिम मैच की बात करें, या फिर कहा जाए चौथा मैच की बात करें 5 अक्टूबर का, तो यहाँ पे खेला जाएगा MKSP ठाकुर मुंडा एफसी ओडिशा बनाम रवि मेमोरियल एफसी ओडिशा के बीच खेला जाएगा। ये जो है 5 अक्टूबर का मुकाबला है, तो 4 मुकाबले इस प्रकार देख पाएंगे। वहीं दोस्तों बात करें ग्रुप बी का, तो ग्रुप बी का मुकाबला होगा 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर के मुकाबले की बात करें, तो पहला मैच के तौर पर खेला जाएगा माँ वसुधा एफसी ओडिशा बनाम ओम साई बालेश्वर एफसी संबलपुर ओडिशा के बीच खेला जाएगा, ये पहला मैच है 6 अक्टूबर का। और वहीं 6 अक्टूबर का दूसरा मैच की बात करें, तो AYC पौड़ा एफसी घाटशिला झारखंड बनाम धीर पार्क झारग्राम एफसी वेस्ट बंगाल के बीच खेला जाएगा, ये 6 अक्टूबर का दूसरा मैच है। और 6 अक्टूबर का तीसरा मैच की बात करें, तो खेरवेल एफसी बांगरी पोसी ओडिशा बनाम बाबा पिल्चू यूथ क्लब वाल्मीकि नगर कटक ओडिशा के बीच खेला जाएगा, ये तीसरा मैच है 6 अक्टूबर का। और वहीं चौथा मैच की बात करें, 6 अक्टूबर का चौथा मैच की बात करें, चेक गेट ओडिशा बॉर्डर एफसी, ये ओडिशा क्षेत्र का टीम है, और उनके ओपोनेंट में रहेगी AVHS स्टार एफसी कटक कॉन्टैक्ट कोलकाता के बीच खेला जाएगा। तो इस प्रकार जो है 6 अक्टूबर का मुकाबला है, और ये दोनों ही दिनों की बात करें, तो निश्चित सी बात है यहाँ पे एक से बढ़कर एक टीम मौजूद है। तो आशा है इस टूर्नामेंट में आपको काफ़ी इन्जॉय मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप सबों का इस टूर्नामेंट में स्वागत रहेगा। झांझदापाल
गिलेरी फील्ड मयूरभंज ओडिशा में। तो चलिए अगर बात करें दोस्तों डीसी चांडिल के बारे में, तो डीसी चांडिल की टीम जो है धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों के साथ वो अपने फॉर्म में वापसी कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हाल ही में हुए नामकुम रांची क्षेत्र का फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में। यहाँ पर जो है डीसी चांडिल की टीम पार्टिसिपेट की थी और इस टूर्नामेंट में उनको भले विनर का खिताब नहीं मिला हो लेकिन रनर अप का खिताब जीतने में कामयाब हुई। जी हाँ दोस्तों, फाइनल में लॉस करके डीसी चांडिल की टीम सिंगर सराय में, और इस टूर्नामेंट में उनको 2 लाख रुपये से सम्मानित किया गया। तो चलिए अच्छी बात है कि धीरे धीरे जो है अपने फॉर्म में वापसी कर रही है, ये अच्छा संदेश है डीसी चांडिल के फैंस के लिए। तो आशा है दोस्तों ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सबों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कमेंट साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक।